पिछले दिनों इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में इवेंट का झांसा देकर मुंबई से बुलाकर दो मॉडल युवतियों को बंधक बनाकर दुष्कर्म और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले सामने आया था, जिसमें पुलिस ने एक महिला सहित चार आरोपियों में पूर्व से गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं विजयनगर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए गिरोह के 10 सदस्य पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनमें 3 महिलाएँ भी शामिल है। वहीं पुलिस ने गिरोह से 13 युवतियों को छुड़ाने में सफलता हासिल की, जिसमें नाबालिग बालिकाएँ भी शामिल थी। डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने खुलासा करते हुए बताया कि अवैध रूप से सीमा पार कराकर युवतियों से अनैतिक कार्य कराने वाली गैंग के 10 सदस्य के साथ 3 महिला आरोपियों को विजयनगर पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। वहीं पकड़ा गया गिरोह द्वारा संपूर्ण देश विदेश में कराया जाता था, बालिग व नाबालिग युवतियों से अनैतिक कार्य करवाया जाता था। वहीं पकड़े गए गैंग के कब्जे से कुल 13 युवतियों को पुलिस ने मुक्त कराया, जिसमें नाबालिग युवतियाँ भी शामिल थी। पिछले दिनों विजयनगर थाना क्षेत्र में एक दो महिलाओं ने शिकायत की कि उनके साथ मारपीट की गई है और उनका दैहिक शोषण किया गया है, उनका शारीरिक उत्पीड़न किया गया है। इस तरह की एक शिकायतें दी गई, जिसको तत्काल पुलिस ने तस्दीक किया और पाया कि घटना सही है। उनकी शिकायत के आधार पर थाना विजयनगर में मारपीट के साथ साथ 376 और एक्सटॉर्शन का भी मुकदमा उसमें कायम किया गया। इसमें पाया गया कि दोनों महिलाएं अलग अलग शहरों से थी, एक कलकत्ता से और एक मुंबई से आना यहां पर बताया गया। उस पूरे मामले के जो तथ्य थे थोड़े से अस्पष्ट नहीं थे, मुख्यतः जो आरोपियों से जुड़े जो मुद्दे थे उसके बारे में पुलिस ने और विस्तार से जब तस्दीक करना शुरू किया तो उसकी कई अलग अलग परतें सामने आने लगी। उसमें पुलिस ने जब आगे विवेचना की है तो उसमें कई नए तथ्य सामने आए हैं और अंततः पुलिस को जानकारी मिली कि इससे यह एक पूरा गैंग है जो कि एक बड़े अवतार पर काम करता है। यह मुख्यतः सोशल मीडिया, कुछ इस तरह के एप्लीकेशंस और उसके आधार पर न सिर्फ स्थानीय स्तर पर यहाँ पर महिलाओं को और नाबालिग बच्चियों को देह व्यापार में ढकेलता है, बल्कि दूसरे देशों से, मुख्य तौर पर बांग्लादेश से कई नाबालिग बच्चियों और कई महिलाओं को ला करके इस व्यापार में उतार देता है। इस पूरे मामले पर जब पुलिस ने जांच की तो इसमें 13 लोगों को इससे मुक्त कराया गया है और साथ ही साथ इस पूरे मामले में पुलिस ने एक लफुड़िया थाना क्षेत्र में और प्रकरण कायम किया है, जिसमें 372 आईपीसी में अलग से प्रकरण कायम किया गया है। पॉस्को एक्ट के अंतर्गत भी इसमें कार्रवाई की गई है और इसका उद्देश्य है कि इस तरह के पूरे गिरोह का अंत भंडाफोड़ हो, उसके सभी लोगों तक पुलिस पहुंचे, इस पूरे गैंग का पूरी तरीके से भंडाफोड़ किया जाए, इस पर कड़ी कार्रवाई हो और साथ ही साथ उससे जुड़े हुए हर व्यक्ति पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित हो। इस का है ये 10 आरोपी मुख्यतः कुछ उसमें इंदौर के हैं, कुछ आसपास के इलाकों के हैं जो कि इंदौर में ही रहते हैं। इनका एक बड़ा स्थानीय नेटवर्क है जिसके माध्यम से इस तरह का ये व्यापार करते हैं और पुलिस ने अंततः इनके इस पूरे व्यापार को और गिरोह को तोड़ने में सफलता हासिल की है। इसमें पूरे मामले में पूरी टीम को इसमें BFLP के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। इसमें SP ईस्ट के नेतृत्व में एडिशनल SP ईस्ट, उसमें CSP विजयनगर और TI विजयनगर की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिनकी पूरी टीम ने अलग अलग मुद्दों पर टीम गठित करके इसमें कार्रवाई की है। आगे की कार्रवाई के लिए इसमें अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, इसमें 2-3 टीमें गठित की जा रही हैं जो कि बड़े स्तर पर इसकी पूरी व्यापक विवेचना करेगी और साथ ही साथ कुछ अन्य एजेंसियों को भी इसकी सूचना जा रही है, क्योंकि जिन लोगों को पकड़ा गया है उनके पास किसी तरह का वैध वीज़ा परमिट नहीं है, इसलिए वो किस तरीके से यहाँ पर आई, किस तरीके से उन्हें यहाँ लाया गया, उन मुद्दों पर भी डिटेल्स में बात करने के लिए, उस पर विवेचना करने के लिए, उसके तह तक जाने के लिए अलग से टीम गठित की गई है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।